सब्सक्राइब करो NC7 न्यूज नू ते लेटेस्ट अपडेट पाने लिए प्रेस करो बेल आइकन। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर तो हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा मंजूर हो गया। राष्ट्रपति ने इस इस्तीफे नु मंजूर कर लिया, जिस तो बाद खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर नु फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का चार्ज दिता गया अते नाल ही यह आदेश तुरंत प्रभाव नाल लागू करन दे आदेश भी दिते गए ने। दस दिए कि बीते दिन ही खेतीबाड़ी ऑर्डिनेंस के विरोध दे विच हरसिमरत कौर बादल ने अपना इस्तीफा दे दिता सी अते किसानां दे हक दे विच खड़े होण दी गल कही सी, जिस तो बाद हुण राष्ट्रपति ने हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। जिला मोगा दे कस्बा बागा पुराना च अगवा होए 11 साल दे बच्चे नूं पुलिस वल्लों 8 घंटियां दे विच बरामद कर लिया गया। पुलिस ने इस वारदात च शामिल 3 लोकां दे विचों एक व्यक्ति नूं काबू कीता अते बच्चे नूं उसदे परिवार नूं सौंप दिता। इस संबंधी DSP जसविंदर सिंह खैरा ने कहा कि इह किडनैपिंग फिरौती दे मकसद नाल होई है, जिस विचों एक नूं गिरफ्तार कर लिया गया है ते बाकियां दी भाल जारी है। दीप सिंह जी दी उम्र 10 साल है, अपनी दुकान ते खेड रहा सी, उहदा मारुति कार ते दौड़ने आए ते उहनूं चक के लै गए, जिस संबंधी मुकदमा नंबर 148 अंडर सैक्शन 365 के आधार पर इसमें मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की है। वो CCTV फुटेज के होर टेक्निकल तरीके ने तफ्तीश करते रहे, स्पेशली SSP साहब के हवाले से, DSP डीन साहब अपनी टीम के नाल, जमेत सी इंचार्ज SHO बागा पुराना हरमन जी, वो लगातार पीछे लग रहे हैं। CCTV फुटेज के आधार पर अगे जा के सू कार बराम हो गई, लेकिन उस तो बाद प्राइवेट व्हीकल टू व्हीलर के उत्ते चले गए, जिसके बारे सारिया टीमों ने अपनी कोशिश करके इन्हों पिंड बच्चा बरामद कर लिया, डेढ़ बच्चा बरामद करके वारसा हवाले कर दिता गया। तो जोड़े मेन फ्यूज है वो बसंत नंदू तो निर्मल निम्मा ये दो जड़े कार से आए थे बच्चे चक के लगे, लेकिन इन्होंने चुकों में जी मदद की जो वर्कर से जो बच्चा किडनैप किया मालिक का सुखदीप सुखा जो पंचदाई का इन्हों का दोस्त भी है, उन्हें उन्होंने इस गल की सूह दी, तिना ने रल के किडनैपिंग की, पैसे नहीं खाते, इन्हों फरौती मंग के बाद बच्चा वापस करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी के नाल 12:30 दिन बाद 8:30 बजे के बच्चा बराबर कर लिया, एक दोषी अरेस्ट किया। सुखिंदर सुखा सर जो दो दोषी हले फरार ने उन्होंने की किया जा रहा है, उन्होंने अपनी टीम लगियां ने अरेस्ट करा के जल्दी जल्दी अरेस्ट की, उन्होंने मार लैके और डिटेल कोशिश की जाएगी बहुत कोशिश वाले हाथ में। उधर फिरोजपुर नेड़े फाजिलका रोड ते पिंड खाई फेमेकी दे पुल कोल एक टैंकर अते वड्डे ट्राले दी भयानक टक्कर हो गई, जिस कारण दोवें गड्डियां दे परखच्चे उड़ गए। हादसा इन्ना ज्यादा भयानक सी कि मौके ते ही दोवां ड्राइवरां ने दम तोड़ दिता। घटना संबंधी सूचना मिलदिया मौके ते पुजी पुलिस ने लाशां नूं कब्जे च लैके कार्रवाई शुरू कर दिती है। इस हादसे कारण फिरोजपुर फाजिलका सड़क ते पूरी तरह जाम लग गया है अते पुलिस वल्लों लगातार इन्हां नूं वाहनां नूं सड़क तों हटाउण दा यतन कीता जा रिहा है। ये घटना रेलवे पुल खाई रोड से, खाई तो जरा पिछले रेलवे पुल है उससे हुई है। ये रात करीब 1 बजे के जरा घोड़ा सगा ये फेडरल साइड तो आ रहा है, तो जरालों साइड में जा रहा है जी, ये क्रैशर भरया जी, तो जोड़ा कंटर है ये जरालों साइड तो आ रहा है, ये अपना नारियल कच्चा नारियल भरया, फेडरल साइड में जा रहा है जी। रात करीब 1 बजे दोनों आपस पुल के उपर ही टकरा गया, ये ड्राइवर जिहड़ा घोड़ा चालक है उह गुरभजन सिंह पुत्र सोहम सिंह बस्ती रेलवे गुरु साहिबा, इहदी भी मौके ते ही मौत हो गई है। तो जिहड़ा कंटर का मालक है मिंदर सिंह पुत्र प्यारा सिंह वासी गांधी नगर जलालाबाद का, इहदी भी मौके ते ही मौत हो गई है। 15 सितंबर तो खेती ऑर्डिनेंस विरुद्ध पक्का मोर्चा ला के साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल दे गृह सामने डटे हुए पार्टी किसान यूनियन एकता उग्राहा दे वर्करां चों एक किसान वल्लों जहरीली दवाई निगलन दा मामला सामने आया। इस दौरान तुरंत किसान नूं पहलां पिंड बादल दे हस्पताल विखे लिजांदा गया, जिथे हालात गंभीर होण कारण उस नूं बठिंडा रेफर कर दिता गया। जानकारी दे मुताबिक उक्त किसान मानसा जिले दे पिंड अकावाली दा वासी है, जिस दी पछाण प्रीतम सिंह उम्र 55 साल पुत्र बचन सिंह वजों होई है। दस दईए कि किसान ऑर्डिनेंसां विरुद्ध ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ।
बटाला जिला पुलिस वालों तीन व्यक्तियों नूं हेरोइन दी वड्डी खेप सने फड़न दा मामला सामने आया। दरअसल जानकारी पंजाब पुलिस दे आईजी सुरिंदरपाल सिंह परमार वालों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई। उन्होंने दस्या कि बीते दिनी गुप्त सूचना दे आधार उत्ते तीन लोगों नूं 6 किलो 157 ग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार किया गया सी। अते उन्होंने पूछगिछ दौरान पता लगा कि हेरोइन दी इक वड्डी खेप पाकिस्तान तों आई सी, जिस नूं उन्होंने पिंड कक्कड़ विच लुकाया सी। डीएसएफ दी मदद नाल हेरोइन दे 16 पैकेट बरामद किए गए। बटाला पुलिस ने एक बहुत वधिया कार्रवाई करते हुए तीन जिहड़े समगलर है इन्हों अरैसट किया। एक का नाम सरबजीत सिंह है, दूसरे का नाम सुरजीत सिंह, तीसरे का नाम जगतार सिंह है। इन्हों को इनिशियली नाके दौरान 157 ग्राम जी हेरोइन पकड़ी गई सी। उस तो बाद ड्यूरिंग द सस्टेन्ड इंटरोगेशन फिर नोटिस के आया कि इन्होंने अमृतसर रूरल के एक एरिए BOP हैगी उत्थे पैंदी है कक्कड़ अते राणिया, उत्थे फेंस दे क्रॉस इन्होंने जिहड़ा बाकी का माल उत्थे दबिया हुआ सी उह लैके आउणा सी, जिहड़ा कि पाकिस्तान के बॉर्डर के नेड़ों उन्होंने समगलर्स ने सप्लाई किया होया सीगा। फिर इन्हां दी टीम ने SSP साहब ने उत्थे जाके BSF नाल टाई अप करके BSF अथॉरिटी की कोऑपरेशन लैके उन्होंने नाल लैके फेंस क्रॉस करके जाके वह सारा समान कढ के लिआंदा ते 6 किलो 557 ग्राम जिहड़ी टोटल हेरोइन की रिकवरी हुई है। तो ये हुण पुलिस फॉरवर्ड लिंक तो बैकवर्ड जिहड़ियां लिंकेजेस है प्रूव करेगी, तो जिहड़े होर दोषी है उन्होंने भी अरैसट करेगी। इट इज़ ए वेरी गुड रिकवरी, तो देयर आर चांसिस के ये जिहड़ा मॉड्यूल ऑपरेट हो रहा है ये होर भी कितने इन्हां दे लिंक होण उन्हूं सारे न्यूट्रलाइज किया जाएगा।